सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है चैप्टर रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के अभी के सेशन में हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। इससे पहले हम आइसोटॉप्स आइसोबार्स के बारे में बात कर चुके हैं। आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर था बट डिफरेंट मास नंबर था, आइसोबार्स में सेम मास नंबर था बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर था। अब देखते हैं आइसोटॉन्स की कहानी क्या है और ये कैसे डिफर करता है आइसो टॉप्स एंड आइसो बार्स से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन डेफिनेशन आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक से आप देख पाएंगे कि वो आइसो टॉप्स और आइसो बार्स के बारे में हमने क्या जाना था। मेक श्योर यू सी देम एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आइसोटॉन्स होते क्या है ये देखते हैं। द एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटॉप्स में हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर सेम था बट मास नंबर अलग था। आइसोबार्स में हमने देखा था कि मास नंबर सेम था बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट था। यहां पे ना तो मास नंबर सेम है ना ही एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही अलग हैं बट उनकी जो सब्ट्रैक्शन है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है मतलब ए माइनस जेड जो है वो सेम होता है। ऐसे एलिमेंट को हम ऐसे एटम्स को हम आइसोटॉन्स बोलते हैं। देखिए सोडियम और मैग्नीशियम का अगर हम केस लेते हैं, इससे पहले भी हमने सोडियम और मैग्नीशियम के एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके 11 है बट यहाँ पे 12 है, एटॉमिक नंबर अलग हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके यहाँ पे 11 है बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, डिफरेंट हो गया। बट जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 23 माइनस 11 जब करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है 12, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है 12। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है, इसलिए हम इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। मेक श्योर अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये जो डेफिनेशन है ये आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है या फिर बार बार जब इनका यूज होता है तो यू शुड नॉट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड। आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम इन दीज। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जैक्टली इनका आइडिया होना चाहिए।